मुंबई से सटे डोंबिवली इलाके में एक घटना हुई है जहां पुलिस दूल्हे को एक महिला से शादी कराकर दूसरी से परिणय सूत्र में बांधने के बाद सीधे थाने ले गई। पुलिस के मुताबिक वो एक शादी के दौरान पीड़ित लड़की से मिला और उसके माता पिता का नाटक किया। शादी कर रहे थे और पीड़ित लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाकर शादी का झांसा दिया और बिना शादी किए दूसरी लड़की से शादी कर ली। बताया जा रहा है कि डोंबिवली के रहने वाले युवक सिद्धार्थ शिंदे ने 4 साल पहले एक रिश्तेदार की शादी में पीड़ित युवती को देखा और वहीं उससे प्यार हो गया। सिद्धार्थ ने अपने माता पिता से उसे शादी करने के लिए कहा। पीड़िता का 4 साल पहले लड़की से संबंध हो गया था। उसके बाद 4 साल तक वह उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा, लेकिन जैसे ही पीड़िता को ये जानकारी मिली कि उसे बिना शादी किए ही दूसरी लड़की से शादी कर ली है, पीड़िता ने थाने पहुंचकर सिद्धार्थ और उसके माता पिता के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। महिला ने एकूण 3 आरोपींच्या विरोधात 376-420 प्रमाणे लग्न करतो असं म्हणून विश्वासात घेऊन फसवणूक केलेली आहे आणि लग्न केलेलं नाही, दुसऱ्या लग्नाची तयारी किंवा दुसरं लग्न करणार आहे असं समजल्यानंतर सदरची फिर्याद दिलेली आहे। विष्णुनगर पोलीस स्टेशनला सदर बाबतीत गुन्हा दाखल असून बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और 3 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।